बहुत चंद शब्द में ही कही है कि हमारे इस सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने 6 बार टाइगर को वोट दिया और जिताया। विधायक से लेकर मंत्री, संतरी, अंत में मुख्यमंत्री तक हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया हमारे चंपई। लेकिन इन्होंने आज यहाँ के सरायकेला विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड के जनता को आज धोखा दिया। हम लोगों ने उन्हें इस क्षेत्र में देवता की तरह मानते थे, लेकिन आज उन्होंने हम लोगों को धोखा देकर बीजेपी में जोड़ा। उन्हीं ने सिखाया था कि बीजेपी का सिद्धांत क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिद्धांत क्या है। उन्होंने ही हम लोगों को समझाया था कि कभी भी बीजेपी पार्टी हमारा नहीं हो सकता है, उसका सिद्धांत अलग है। उन्होंने हम लोग को सिखाया, जैसे की बात है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाकर उसमें फंसना नहीं। और ये तो हम लोग को सिखाया कि बीजेपी में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं, लेकिन अपने खुद फंसना। तो आज समुद्र से एक बड़ा मछली अगर पकड़ा गया तो समुद्र में मछली की कमी नहीं। आज चंपाई सोरेन नहीं है इस क्षेत्र में, अभी वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने अगर जिसको जिताया था 6 बार, हम लोग मुख्यमंत्री तक बन गए थे। अगर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति श्रद्धा है, गुरु जी के अस्तित्व को बचाना है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर चलना है, तो हम लोग चंपाई सोरेन को इस तरह बीजेपी को हराएंगे। यह निश्चित कर लेना है, यह संकल्प लेना है कि ऐसे नेता को नहीं चाहिए जो हमें धोखा दिया। आज हम लोग को धोखा देकर दूसरा पार्टी में चला गया, तो क्या था हमारा वो प्रधान टाइगर। तो आज हम लोग गांव गांव में यही जानना चाहते हैं कि आपका विचार, आप लोग चंपाई सोरेन के चले जाने से आप लोग का मन में क्या उत्साह है या नाराजगी है, क्या आपसे हम लोग जानना चाहते हैं। आज ये दौरा हमारा इसी का कारण है, हम लोग वोट मांगने नहीं आए। हाँ, दावेदारी है। हम लोग भी, हमारा कृष्णा भाई जो है, ये पूरा राजनगर प्रखंड कमेटी, पूरा सरायकेला प्रखंड कमेटी के आज सहयोग से, आज उनके मार्गदर्शन से ये आज दावेदारी में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। कोई भी हो, दावेदारी तो बहुत है, लेकिन जिन्हें टिकट मिलेगा हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को समर्थन करेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा टाइगर पूरा हो गया, तुयू होकर चला गया मदस्या। हम लोग यही आज प्रण लेंगे, यही से हम लोग हर गांव में यही हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बूढ़ा टाइगर तो हमसे चला गया, हम लोग युवा टाइगर बनाएंगे। और इस सरायकेला विधानसभा में इस बार भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जो है, नमस्कार, जय झारखंड।